एक और आने वाला है, एक और छोटा सा बच्चा आने वाला है। डॉक्टर ने बोला प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, अल्ट्रासोनोग्राफी कर लो। चिकू ने लात मार, आपको पता है ऐसा लगकर लात मार दिया अभी। क्या हुआ क्या हुआ? वो जान दो, दीवार पे मैंने मच्छर मार दिया तो मच्छर का खून जम गया है दीवार पे। एंड चिकू वही देखे जा रहे, जान दो। हाँ ठीक है, देखो देखो बोल रही बार बार, बोल दो तो हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे व्लॉग बोल के दिखा दो, व्लॉग बोल दो, व्लॉग 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 बोलो, व्लॉग टीत तो नहीं, टीत नहीं देखना, व्लॉग बोलो, व्लॉग ची बोल रहे। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, व्लॉग तो बोल रही ची ची ची, ऐसा नहीं बोला। मम्मा मुंह दब जाएगा। नहीं मम्मा से दूर हटो, मम्मा से दूर हटो, मम्मा से दूर हटो, मम्मा से दूर, मम्मा को दबा दे रही है। हाँ तो क्या हो, छोटी सी बच्ची है, क्या करेगी अभी? छोटी सी बच्ची, वो मम्मा से चिपक के ही रहती है अभी। तो एक और आने वाला है, एक और छोटा सा बच्चा आने वाला है। अमिता का अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया है, सिर्फ ब्लड टेस्ट बचा हुआ। तो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आपका प्रेगनेंसी कंफर्म होता है, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद का जो टेस्ट है, आई मीन सबसे पहले उसके बाद तो सबसे पहले आपको डॉक्टर का विजिट करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि वो आपको फिर टेस्ट देगा, अल्ट्रासोनोग्राफी का ब्लड टेस्ट देगा, जिससे आपका HIV है या फिर ब्लड में कोई बोलते ना इन्फेक्शन इम्प्योरिटीज वगैरह है कि नहीं, ब्लड टेस्ट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बाद और क्या क्या, बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जो कि मैंडेटरी है, हर एक डॉक्टर देगा। एक जब पहली बार जब डॉक्टर को विजिट करोगे ये मैंडेटरी है। तो फर्स्ट आफ्टर प्रेगनेंसी कंफर्मेशन अगर आप डॉक्टर के बोल, जैसे मैंने डॉक्टर के बोलने पे प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया, प्रेगनेंसी किट से नहीं किया, जब ये जो हम लोग पहला विजिट डॉक्टर को ही डायरेक्ट किए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, अल्ट्रासोनोग्राफी कर लो, एंड क्या बोला, ब्लड टेस्ट। तो हम लोग का अल्ट्रासोनोग्राफी अमिता करके आ चुकी है, एंड ब्लड टेस्ट होगा कुछ दिन में, वो भी करवाना है, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट आने वाला है। तो पहली चीज जब जैसे आपका प्रेगनेंसी कंफर्म होता है तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है उसमें। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर यही बोलने वाला है, एंड जाना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी कंफर्म कर लिए हो या ना करो, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको यही सारी चीजें करने बोलेगा, है ना? बस करो मम्मा, उल्टा ही हो जा रही है पूरा। तू हंस क्या रही है? प्रेगनेंसी किट फेंकी? अरे यार प्रेगनेंसी किट क्यों पड़ा, फेंक देना। अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा इसके पीछे, क्या किसको नहीं पता है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत आलस आता है, थोड़ा बहुत काम करने का मन नहीं करता है। अरे 3 दिन हो गया गाइस, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है, लास्ट ब्लॉग भाई, जिसमें हम लोग ने कंफर्म किया था कि हम लोग माँ बाप बनने वाले हैं सेकेंड टाइम, हम लोग का मतलब अमिता प्रेगनेंट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो हम लोग ने वो प्रेगनेंसी किट दिखाया था आप लोगों को, उसमें डबल साइन दिखा रहा है, एंड वो प्रेगनेंसी किट जो है, अगर आपको दिखाओ तो ये मेरा वॉशरूम है, ये वॉशरूम में यहाँ पड़ा हुआ, देखो देख रहे हो, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया कि ये यहीं पड़ा हुआ है, एंड इसने अभी तक फेंका नहीं है, उसको फेंका ही नहीं, मतलब बोल बोल के थक जा, 3 दिन हो गए। अब ये बोल रही कि तू फेंक दे, तो मैं बोल रहा हूँ कि उसी दिन क्यों नहीं फेंका, हमेशा ऐसा करती, छोटा मोटा काम खुद बढ़ाती है और फिर बोलती है अभी मैं ही फेंकूंगा, रुक उसको फेंकना, तू मुझे बोल दे, लकी चार्म तो नहीं है ना, ऐसा कुछ की रखना पड़ता है गाइस, ऐसा कुछ होता है क्या? प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो कंफर्म कर लिया तो उसका जो किट है हम लोग एक एक हफ्ता तक रखेंगे, तो फेंकना ही है ना। नहीं बाद पाचला मैं इस रीजन से भी नहीं फेंका हूँ कि पता नहीं क्या वो जानबूझ के रखी होगी, फेंकते नहीं है यहाँ, कचरे में डालते नहीं है, कहीं पानी में डालते होंगे, कुछ करते होंगे, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, उसको किसने क्या बता दिया होगा। थैंक यू मम्मा, देखो ये दे रही है, थैंक यू मम्मा, तो इसलिए मैंने फेंका नहीं। और अभी ये बोल रही है कि ऐसे ही रखा हुआ, कितना कितना एकदम ना आलसी हो गई, एकदम परेशान कर दिया। प्रेगनेंसी किट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फेंक दो, और वो पैकेट है, सिर्फ पैकेट है, पैकेट तुम फेंक सकते हो। ठीक है मैं फेंक सकता हूँ, फेंक दूंगा मेरे को क्या, देखो कितना क्यूट सा बच्चा है मेरा, क्यूटी पाई है, फोटो खींच लो उसका, फोटो किचिक, अरे बाप रे, मैंने ऐसे बोला ना किचिक करके, ऐसा कैमरा सामने के लिए बोलते मार देंगे ना, मार दो, मम्मा को दे दो, अरे नहीं मारना है मम्मा को, मम्मा कुछ नहीं करना इसमें, बेबी बेबी है, बेबी पेट तक ऐसा लगता है कि ऑलरेडी 6 महीने। चिकू ने लात मार, आपको पता है ऐसा लगकर लात मार दिया अभी, उसको नहीं पता, नहीं करना है, छिए मम्मा नहीं करना, आ जाओ नहीं करना है, लात मारी ना इधर पे, मम्मा को लात मारी ना, नहीं सॉरी सॉरी, नहीं मारना,
नहीं मालूम, नहीं करना, नहीं करना, मैं क्या जान बुझे नहीं किया है, वो बोलते ना रिएक्शन, रिएक्शन का रिएक्शन था मेरी तरफ से, थोड़ा सा चिल्ला दिया मैंने, नहीं करना कुछ नहीं, बस करो बस करो, ठीक है ठीक है। वो लात लिटरली एक लात मार दी पेट में भाई, लिटरली नहीं करना, हाँ नहीं करना है। मैं देखो इसमें, देखो बेबी बेबी है इसमें, स्वीट मम्मा है, हाँ ठीक है, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं मम्मा, सब देख रहे, देखो देखो सब देख रहे हैं, नहीं करते नहीं। अच्छा ये क्या बोल दो, ये क्या बोलो तो, ये क्या है मम्मा, रोज, ये क्या है, वाओ रोज, दिखाओ तो, दिखाओ तो क्या रोज, देखो छुपा दे, अपसेट हो गई, बहुत जल्दी अपसेट हो जाती है, बहुत जल्दी, मैं इतना जोर से नहीं डांटा था ना यार, थोड़ा सा कम से डांटा था, वेलकम बोली या वेलकम बोली, बोली वो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग बोल दी, बोल दी बोल दी, आचू आ गया नहीं, छोड़ 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 दे चिकू को, छोड़ दे कुछ नहीं, ऐसे नहीं करते फिर से, आँख में लग जाएगा, हाँ आँख में लग जाएगा, चलो चलो उठ जा मम्मा, उठ जा चिकू चिकू, उठ जा चिकू 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 चिकू, मतलब मेरा पेट देख के लगता है कि 6 महीना है, बट है नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ी मोटी हूँ, मेरा पेट वैसे ही निकला हुआ है। अमिता का देखो ऐसा लग रहा ना कि 6 महीना हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अमिता थोड़ी सी मोटी हो गई, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में उसने कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं लिए, मतलब वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण वो मोटी हो गई है। और मैं बहुत ज्यादा फैटी चीज खाती हूँ, जैसे मटन का चर्बी, मतलब मटन का चर्बी का चौप, ये बहुत खाती है, इन द सेंस फ्राइड चीजें बहुत खाएगी, बाहर का आइटम बहुत खाएगी, घर का खाना कम, और मटन चिकन ये सब तो चलते ही रहता है, बहुत हैवीली खाती है, ऐसे कोई दो राय नहीं, खाना चाहिए इंसान को, बट साइड बाय साइड एक्सरसाइज वर्कआउट का भी ध्यान रखना चाहिए, टाइम नहीं मिलता, हाँ तो इस वजह नेचुरली मेरा पेट ऐसे ही फूल गया, तो नेचुरली उसका पेट मतलब मोटी हो गई है, एंड डॉक्टर से हम लोग ने अभी मतलब सोनोग्राफी के बाद कंफर्म होगा कि अमिता कितने मंथ प्रेग्नेंट की चल रही है, तभी होगा ना कि अभी पता चल गया, अभी नहीं पता चलेगा, तभी पता चलेगा, अभी कैसे कोई मतलब अंदाजे में बोल सकता है, पर वो सोनोग्राफी देखे, ये भगवान ही तो मेरे को आने ही नहीं देता है, सोनोग्राफी का देख के एकदम कंफर्म पता चल जाएगा कितने महीने का है। हाँ तो हम लोग बेसिकली सोनोग्राफी का रिपोर्ट इसलिए कराते हैं, पहला वाला सोनोग्राफी का रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज हम लोग को समझ में आए कि कितना मंथ की प्रेग्नेंट हो गए हैं हम लोग, मतलब अमिता कितने मंथ की प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब फर्स्ट पीरियड के बाद कितना टाइम, कितना महीना हो गया फर्स्ट पीरियड, 10 दिन ना, 1 महीना तो हो गया फर्स्ट पीरियड के बाद, एक टाइम 1 महीना हो गया, अच्छा हाँ नहीं फर्स्ट पीरियड अगर, हाँ भाई तो देखो उस हिसाब से लोग कैसे काउंट करेंगे, उस हिसाब से काउंट करेंगे कुछ, ठीक है हो सकता है कि ये लोग अल्ट्रासोनोग्राफी के बेसिस पे काउंट करें या तो लास्ट पीरियड के बेसिस पे काउंट करें, वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कैसे काउंट करते हैं, कि पहले वाले का तेरे को याद है चिकू, चिकू के टाइम पे कैसे काउंट किया याद है तेरे को, डॉक्टर ने मतलब वो लास्ट पीरियड ऑब्वियसली पूछते हैं, ठीक है लास्ट पीरियड कब आया वो बताते हैं, बट एक्चुअली में वो लोग अंदाजा लगाएंगे सोनोग्राफी देख के, चिकू के टाइम पे तो बहुत झोल हो गया था, चिकू के टाइम पे जहाँ से हमने सोनोग्राफी करवाया था उसका जो टेस्ट है वो पूरा गलत था, लाइक जब हॉस्पिटल में करवाया लास्ट टाइम तो बोल रहा है कि बच्चा तो यहाँ बड़ा दिखा रहा है, तुम्हारी सोनोग्राफी में कहाँ से करवाया तो छोटा दिखा रहा है, तो सोनोग्राफी गलत था, तो मतलब इमरजेंसी में चिकू ने सी सेक्शन हुआ था हम लोग का, हालांकि प्लान था सी सेक्शन पर तब इमरजेंसी में डेट हम लोग को चूज करने का मौका नहीं मिला कि कौन से डेट में करते, तो तुरंत डॉक्टर को करना पड़ा। हाँ तो देखो गाइस ये भी सारी चीज़ें होती हैं कि प्रेगनेंसी में आपको मतलब फॉलोअप बहुत ज़्यादा जरूरी है, फॉलोअप इन द सेंस बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि तब क्या हो रहा है, जगह से टेस्ट कराओ, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे पर अच्छे जगह से टेस्ट कराओ, इसके लिए क्या होना चाहिए आपका रिसोर्सेज, आपके पहचान, आपके रिलेटिव दोस्त संबंधी रिश्तेदार सबसे पूछो जिस वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, अगर उनका बेहतर तरीके से हुआ तो आपका भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, गूगल से पूछ लो क्योंकि मैंने तो वही किया है, मैंने अपना बेस्ट डॉक्टर भी गूगल से ढूंढा है, एंड और जहाँ पे टेस्ट गूगल से मेरे रिव्यू पढ़ के उसके बाद में जाती हूँ। चिकू को देखो वाह मामा वाह, अरे बास कर बास कर बास कर, अरे वाह।